यूजीसी का ऑर्डर है कि फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम सितंबर एंड तक हो जाने चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के एग्जाम ज्यादा जरूरी हैं उनकी लाइफ से। ये डिसीजन किस बुद्धि का इस्तेमाल करके लिया गया है ये कहना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। उन्हें एग्जाम्स देने के लिए अपनी हेल्थ और लाइफ को दांव पर लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आपके लिए ऐसी ही मीनिंगफुल वीडियोस लाता रहूंगा। दरअसल ये सारा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का इशू फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स तो कोविड पैंडेमिक के चलते कैंसिल कर दिए गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एग्जाम कराने के फेवर में हैं, कुछ अगेंस्ट में हैं, और इस पे पॉलिटिक्स भी पूरा चल रहा है। पर 7 जुलाई को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में, यूजीसी ने ये ऑर्डर पास किया कि सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स सितंबर 30 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स ऑनलाइन कराओ या फिर ऑफलाइन कराओ, लेकिन पूरे हो जाने चाहिए। पर एक पेंडेमिक के टाइम पर जब इंडिया के अंदर डेली केसेस बढ़ रहे हैं, लोग एग्जाम्स कराना क्यों चाहते हैं? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है, अगर आपने बिना एग्जाम्स के बच्चों को पास करा दिया तो आगे जाके उनके लिए जॉब के प्रोस्पेक्ट थोड़े डीले हो जाएंगे। ये बात सही है कि जॉब के अंदर मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी आज भी यही है कि जॉब पाने के लिए आपके मार्क्स या फिर CGPA मैटर करते हैं। अगर आप पुराने मार्क्स के बेसिस पर एवरेज मार्किंग करोगे तो जिनके पहले मार्क्स अच्छे नहीं थे और जो अब इम्प्रूवमेंट करने का सोच रहे थे, उन बच्चों को नुकसान होगा। ये पॉइंट काफी हद तक वैलिड है, लेकिन क्लासेस बच्चों की हुई नहीं है, स्टडी मटेरियल उनके पास है नहीं, ना ही बच्चों के पास लाइब्रेरी का एक्सेस है, तो फिर एनीवेज नॉर्मल से परफॉर्मेंस तो उनकी खराब ही होनी है। और इसके अलावा एक सेमेस्टर के नंबर से 7 सेमेस्टर के एवरेज पर कोई बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ने नहीं वाला है, तो इस पॉइंट के लॉजिक में इतना दम नहीं है। दूसरा रीजन ये दिया जा रहा है कि 3 साल की जो डिग्री है वो 4 साल में पूरी होगी और 4 साल की डिग्री 5 साल में, तो ये जो गैप ईयर उनकी डिग्री में आ जाएगा, इससे उनको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में नुकसान हो सकता है। लेकिन ये कोई सीक्रेट पेंडेमिक तो है नहीं कि कंपनीज को पता नहीं चलेगा कि 2020 में क्या हुआ था। आई थिंक ये सब चीजें छोटी हैं और मैनेजेबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज को ये चिंता है कि एग्जाम्स ना कराने से उनकी रैंकिंग कम हो जाएगी या फिर उनकी यूजीसी ग्रांट में कोई फर्क पड़ेगा। अगेन, जब एग्जाम्स किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे तो आपकी रैंकिंग कैसे कम हो जाएगी? इन छोटे मोटे रीजंस के लिए आप स्टूडेंट्स की लाइफ और हेल्थ को तो खतरे में नहीं डाल सकते। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। आप सोच के देखो, जो स्टूडेंट किसी और सिटी या फिर विलेज या फिर स्टेट में रहता है, वो रिस्क लेकर एग्जाम्स देने जाएगा, और एग्जाम्स के लिए हो सकता है उसे डेली ट्रैवल करना पड़े या फिर उसे PG या फिर हॉस्टल्स में रुकना पड़े, उसके अपने अलग इश्यूज हैं, तो उसके लिए कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ज्यादातर यूनिवर्सिटी सोच रही है कि एग्जाम्स ऑनलाइन कराएंगी वो। इसमें भी कई इश्यूज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम्स करा पाए। DU के अंदर कुछ मॉक टेस्ट लिए गए जिसके अंदर उनके सर्वर्स क्रैश होने लगे। DU का ये हाल है तो फिर छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज का क्या हाल होगा? बिसाइड्स जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है या फिर बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उन बच्चों के साथ क्या होने वाला है? किसी के घर की एनवायरनमेंट अच्छी है, किसी के घर की खराब है, कोई मेंटल प्रेशर में है, कोई फिजिकल प्रेशर में है, तो घर से भी ऑनलाइन एग्जाम्स कराना डिस्क्रिमिनेटरी होगा बच्चों के लिए। अगर एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे तो एग्जाम सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंश्योर होगी? अगर वो हॉस्टल्स में रहेंगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे इंश्योर होगी? इट इज नॉट फेयर टू प्ले विद हेल्थ एंड लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। अबाउट 7 स्टेट गवर्नमेंट्स ने, स्टूडेंट यूनियंस ने, टीचर्स यूनियंस ने UGC को अपना डिसीजन रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन 15 जुलाई को UGC ने फिर से अपनी स्टेटमेंट रिपीट कर दी। मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी ईगो पे ले लिया है। इस पेंडेमिक के अंदर बहुत कुछ हमें पहली बार करना पड़ रहा है, तो एग्जाम्स डिले करने में कौन सी आफत आ रही है? और जो छोटी मोटी कंसर्न्स हैं उनके सॉल्यूशंस आसानी से निकल सकते हैं। आप बच्चों को प्रोविजनल डिग्री दे दो पुराने एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पर या फिर इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर, या फिर उन्हें कोई ऑनलाइन असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट दे दीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज इन सब चीजों को मिला मिलो के अपने अलग अलग फॉर्मुलेस बना सकती हैं, इन सबको अलग अलग वेटेजेस दे सकती हैं। आप एग्जाम्स नेक्स्ट 1 ईयर या नेक्स्ट 2 ईयर या फिर जब भी कोरोना वायरस सिचुएशन कंट्रोल हो तब करा लीजिए, और फाइनल डिग्री उन्हें उसके बाद ही दीजिए। ये पूरा स्टेप ओनली 1 टाइम मेजर होगा। और जहां तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एडमिशंस या फिर कंपनीज के अंदर जॉब्स की बात है, गवर्नमेंट्स और यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट पर ये सब अपने एलिजिबिलिटी या फिर मेरिट क्राइटेरियाज के अंदर से मार्क्स का जो वेटेज है वो कम कर सकते हैं, मार्क्स को कम तवज्जो दे सकते हैं। वैसे भी जॉब्स के अंदर स्किल, एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी ज्यादा मैटर करती है। ये बात समझ नहीं आती है कि सभी के कहने के बाद भी UGC को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। पर आई थिंक एवरीवन शुड रेज देयर वॉइस, स्पेशली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। पब्लिक आउटक्राई के बाद पहले भी बहुत सारे गलत डिसीजंस बाय गवर्नमेंट या फिर बाय और किसी गवर्निंग बॉडीज वापस लिए गए। शेयर दिस वीडियो एंड रेज योर वॉइस, बिकॉज स्टूडेंट्स लाइफ मैटर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।